गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज मैं अपने वीडियो पर आपको अनोखी यारी कविता का जो पाठ था आपके पाठ्य पुस्तक से, लास्ट क्लास में मैंने आपको भाषा की बात को लेकर या भाषा की बात की जो भाग था उसमें से आपको कुछ पढ़ाया था, मुझे याद है। मैंने आपको सार्थक और निसार्थक निरर्थक शब्द के बारे में आपको पढ़ाया था, उसका परिभाषा आपको लिखाया था, क्या उसका परिभाषा क्या है। तो उम्मीद है आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, नोट भी किया होगा। आप उसको सीखने का कोशिश कीजिए, मौखिक सीखने का कोशिश कीजिए। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है उसी पाठ का पेज नंबर 31 से, विलोम शब्द को लेकर। विलोम शब्द माने ऑपोजिट वर्ड्स, उसका उल्टा, किसी भी शब्द का उल्टा। तो आज आपको मैं विलोम शब्द पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने कॉपी या फिर अपने बुक के पेज नंबर 31 पे जाइए, अपना पेन या पेंसिल जो भी है आपके हाथ पर वो लीजिए, उसके बाद उसको वीडियो को देखिए ताकि आप उसको लिख भी सके जो मैंने आपको ब्लैकबोर्ड पर लिखाया है। सबसे पहला शब्द जो है यहाँ पर वो नंबर क से है, वो शब्द है यारी। यारी का मतलब होता है दोस्त, दोस्ती। तो दोस्ती का हमारा उल्टा क्या होगा, हमारा क्या होगा वो विलोम शब्द क्या होगा, दुश्मनी। उसके बाद आता है नंबर ख, हल्का। हल्का मतलब जिसका वजन ना हो, तो उसका अपोजिट क्या होता है, जिसका वजन हो, इसका मतलब हुआ भारी। हल्का का हल्का का विलोम शब्द हुआ भारी। उसी तरह नंबर ग में जो है शब्द वो है कम, मतलब ना होने का बराबर, तो इसका अपोजिट क्या बनता है, इसका उल्टा क्या बनता है, इसको अगर परिवर्तन करें हम तो ये इसका शब्द होता है ज्यादा, कम होता है ज्यादा। उसके बाद आप देखिए नंबर घ पर एक शब्द है, जो शब्द है छ में ओ की मात्रा, तो हम ट में बड़ा की मात्रा, छोटी। छोटी छोटी का विलोम शब्द होता है बड़ी, ठीक है, छोटी का विलोम शब्द होता है बड़ी। उसके बाद खरी, खरी का मतलब होता है एक्चुअली यूजफुल थिंग्स, मतलब जिसको हम यूज कर सकते हैं, उसका ऑपोजिट जो है कुछ कुछ, कभी कभार ऐसा होता है कुछ सामान हम यूज ही नहीं कर पाते, तो मतलब वो खोटी है, मतलब वो कोई काम का नहीं है। तो खरी का ऑपोजिट जो हुआ वो विलोम जो हुआ वो है खोटी। उसके बाद बलवान, जिसका बल हो, तो जिसका बल ना हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बलहीन। तो बच्चों जैसे देखा आपने कि यहाँ पर विलोम शब्द लिखा गया है, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ और मेरा साथ साथ आप बोलिएगा, आप फॉलो मुझे फॉलो कीजिएगा ताकि आपको उच्चारण में कोई गलती ना हो। पहला जो था वो है, पहला शब्द जो है वो यारी, यारी का विलोम शब्द बनता है दुश्मनी। हल्का, भारी, कम, ज्यादा, छोटी, बड़ी, खरी, खोटी, बलवान, बलहीन। तो उम्मीद है बच्चों आपने आप वीडियो देखे होंगे, और वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला काम यह है कि आपको वीडियो को देखने के साथ साथ ही आपको उसको लिखना है, उसको लिखकर आपको पढ़ना है, क्योंकि आप अभी स्कूल नहीं आते हो, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सारा दिन बैठ के तो आपका जो काम है वो मतलब आपको आपको खुद को भी बोरिंग लगता होगा, तो आप पढ़ाई कीजिए, घर में पढ़ाई कीजिए, क्योंकि देखिए स्कूल, हमारा जो स्कूल खुलने के तुरंत बाद ही परीक्षा का तैयारी की जाएगी। तो बच्चों आप लोग इस विलोम शब्द को पढ़िएगा, लिखिएगा और साथ ही साथ मुझे रिप्लाई करिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बता सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स स्टॉप हियर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।